Everyone, today we are going to study tenses. The tense of a verb shows the time of an event or action. Means किसी भी verb का tense हमें घटना या क्रिया के होने के समय को बताता है. There are three types of tenses. तीन प्रकार के tense होते हैं. Present tense means वर्तमान काल, past tense means भूतकाल, future tense means भविष्यकाल. Types of tenses. Let's start. First, present tense. It shows that action is taking place at the present time. यह tense बताता है कि घटना जो है वर्तमान समय में हो रही है. Its exact time is not known definitely. और घटना का निश्चित समय इसमें exact time नहीं पता होता है. For example, I am writing a letter. मैं एक पत्र लिख रहा हूँ. ओके, यानी यह वर्तमान काल में दिया गया है, present tense में दिया गया है. सेकेंड, पास्ट टेंस. इट शोज एन एक्शन इन द पास्ट. यह भूतकाल में हुई घटना को दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग अ लेटर. मैं एक पत्र लिख रहा था. एंड थर्ड, फ्यूचर टेंस. इट शोज एन एक्शन इन द फ्यूचर. यह भविष्य में होने वाली क्रिया को बताता है. फॉर एग्जाम्पल, आई शेल राइट अ लेटर. मैं एक पत्र लिखूंगा. टू इस टेंसेज देयर आर फोर डिफरेंट फॉर्म्स. हर एक टेंस के चार अलग अलग रूप होते हैं. सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. द फॉलोइंग चार्ट शोज द वर्ब फॉर्म्स यूज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस. आपको एक चार्ट बता रही हूँ मैं, उसमें हर एक वर्ब को इन चारों फॉर्म्स में बताया गया है. ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, उसका एग्जांपल होगा ही वर्क्स. यदि वो अफर्मेटिव है, सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे कंटिन्यूस टेंस में. ही इज़ वर्किंग, ही हैज़ वर्कड एंड ही हैज़ बीन वर्किंग. उसी टाइप से यदि हम नेगेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा ही डज़ नॉट वर्क, ही इज़ नॉट वर्किंग, ही हैज़ नॉट वर्कड एंड ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग. यदि इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो डज ही वर्क, इज ही वर्किंग, हैज़ ही वर्कड, हैज़ ही बीन वर्किंग. अब देखिए, यदि हम एक साथ इनकी स्टडी करें, पास्ट टेंस में देखिए, पास्ट टेंस में अफर्मेटिव, देन मैं उसको नेगेटिव बताऊंगी, देन आपको इंट्रोगेटिव. सिंपल टेंस होगा ही वर्कड, ही डिड नॉट वर्क, डिड ही वर्क. ठीक है, कंटिन्यूस में होगा ही वाज वर्किंग, ही वाज नॉट वर्किंग, वाज ही वर्किंग. परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड वर्कड, ही हैड नॉट वर्कड, हैड ही वर्कड. एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ही हैड बीन वर्किंग, he had not been working, had he been working. Now, future tense. Affirmative, negative and interrogative को हम discuss करेंगे. Simple, future tense. He will work, he will not work, will he work. Future continuous tense. He will be working, he will not be working, will he be working. Future perfect tense. He will have worked, he will not have worked, will he have worked. Future perfect continuous tense. He will have been working. He will not have been working. Will he have been working? So, we have discussed three tenses in this video. Thank you for watching this video.